दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इन न्यूज टॉपिक। रूस पर लगे प्रतिबंधों का क्या भारत के हथियारों पर भी पड़ेगा असर? भारत के पास बचने के क्या उपाय? यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने कई पाबंदियां लगा दी हैं। रूस पर पाबंदी से भारत को T-90 टैंक और चक्र-3 परमाणु पनडुब्बी से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने में मुश्किल होगी। देखा जाए तो सबसे ज्यादा खुशी चीन और पाकिस्तान को होगी, क्योंकि LAC पर तनाव के समय चीन नहीं चाहेगा कि भारत को ये हथियार समय से मिले। आइए हम जानते हैं कि रूस पर लगी पाबंदियों का असर कैसे भारत को मिलने वाले हथियारों पर पड़ेगा। भारत और रूस के पास इन प्रतिबंधों से बचने का क्या रास्ता है? रूस पर नए प्रतिबंधों का असर कई रक्षा डील पर पड़ेगा। भारत का रक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ पुराना सहयोग रहा है, लेकिन कोई नया पेमेंट मैकेनिज्म नहीं होने के चलते रूस पर नए प्रतिबंधों का असर भारत के रक्षा आयात पर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा तनाव का असर रूस से होने वाली हथियारों की डिलीवरी पर तत्काल पड़ने की संभावना है, क्योंकि रूसी बैंकिंग चैनलों पर बैन से भारत के पेमेंट सिस्टम को प्रभावित करेगी। इससे पेमेंट्स में देरी हो सकती है। किसी भी हथियार की खरीद के लिए किसी देश को एक साथ पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि जैसे हथियार की डिलीवरी होती रहती है वैसे ही उसका पेमेंट किया जाता है। इससे कई रक्षा डील पर भी असर पड़ेगा, जो कि पहले ही हो चुकी है। रूसी बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ नए प्रतिबंध और इन्हें स्विफ्ट से बाहर करने के कदम से दोनों देशों के बीच सामान्य रूप से कारोबार करने की क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रूस पर प्रतिबंधों से किन हथियारों की खरीद पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए $5.4 अरब की डील की थी। इनमें से सिर्फ एक यूनिट कुछ महीने पहले ही भारत को डिलीवरी हुई है। इसकी तैनाती भी हो गई है, लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगाने से बाकी 4 यूनिट के जल्द मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अमेरिका भी इस डील से नाराज है। ऐसे में वो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी कैट्सा कानून के तहत भारत पर कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है। कैट्सा कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ईरान, नॉर्थ कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव की स्थिति में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन के पास पहले से ही 6 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। इनमें से 2 की तैनाती उसने LAC के पास कर रखी है। अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है। इसे बेहद ताकतवर माना जाता है, लेकिन कई पैमानों पर S-400 उससे भी बेहतर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैट्रियट सिस्टम की तैनाती में 25 मिनट का समय लगता है, वहीं S-400 को 6 मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है। इसलिए भारत के पास एकमात्र चॉइस S-400 है। AK-203 राइफल। भारत और रूस ने अमेठी के कोरवा डिफेंस फैक्ट्री में 5,00,000 AK-203 राइफल बनाने की डील भी साइन की है। अभी तक अमेठी में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इसमें भी देरी होगी। भारतीय सेना को मिलने वाली राइफलों में से 70,000 राइफलों के पार्ट रूस में निर्मित होंगे। इन राइफलों का उत्पादन शुरू होने के करीब 2.5 सालों बाद ये सेना को मिलना था। चक्र-3 परमाणु पनडुब्बी। भारत ने रूस से 10 साल की लीज पर अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी को लेने की डील की है। इसे भारत में चक्र-3 के नाम से जाना जाता है। रूस इंडियन नेवी को इसे 2025 में सौंपेगा, लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगने से इस पनडुब्बी के मिलने में देरी हो सकती है। MiG-29। भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2020 में रूस से 21 MiG-29 जेट के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। प्रतिबंध लगने के बाद इस बार संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
अमेरिका के एक शीर्ष अफसर ने भी दावा किया है कि भारत ने रूस से ये डील रद्द कर दी है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास जो सुखोई 30 और मिग फाइटर जेट है वो भी रूस के बने हैं। एयरफोर्स के कुल प्लेन में से 71% हिस्सा इन्हीं का है। ऐसे में इनके रखरखाव के लिए कल पुर्जों और उपकरण रूस से ही मिलते हैं। प्रतिबंधों का असर इन पर भी पड़ेगा। T-90 टैंक। भारत के पास अभी रूस के बने 1500 से ज्यादा T-90 टैंक हैं। वहीं भारत ने रूस से 2019 में 464 और T-90 टैंक खरीदने की डील की थी। हालांकि यूक्रेन पर रूसी हमले का असर इस डील पर भी पड़ सकता है। कई रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने ये डील रद्द कर दी है। ब्रह्मोस मिसाइलें। रूस पर प्रतिबंध का असर भारत में बने सभी रूसी रक्षा उत्पाद जैसे पैदल सेना लड़ाकू वाहन BMP-2 और ब्रह्मोस मिसाइल पर भी पड़ेगा, क्योंकि इनके रखरखाव और मरम्मत के लिए उपकरण रूस से ही आते हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। इसके साथ ही भारत को फिलीपींस से इसके निर्यात का ऑर्डर मिला है, लेकिन प्रतिबंधों का असर इस पर भी पड़ेगा क्योंकि रूस से इसके कलपुर्जे और उपकरण मिलने में देरी होगी। भारत कौन से उपाय अपनाकर प्रतिबंधों से बच सकता है? 2014 से ही रूस पर वित्तीय प्रतिबंध लगा हुआ है। इस दौरान भारत और रूस अपने व्यापार के कुछ हिस्सों के लिए अमेरिकी डॉलर को बाईपास करने के तरीके खोजने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा भारत रूस व्यापार का एक हिस्सा भारतीय रुपया में भी होता है, ना कि अमेरिकी डॉलर में। इसके अलावा भी भारत के पास रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए कुछ विकल्प हैं। दोनों देश व्यापार के लिए अपनी अपनी करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। 2014 में प्रतिबंधों के बाद से रूस ने स्विफ्ट का अपना विकल्प विकसित कर लिया है। इसे सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज यानी SPFS कहा जाता है। कुछ भारतीय बैंक वित्तीय लेन देन करने के लिए इस नेटवर्क पर रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही भारत के पास नई डिजिटल करेंसी का यूज करने का भी विकल्प होगा, जिसे RBI लाने जा रही है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि ये अल्टरनेटिव मैकेनिज्म रूस के छोटे बैंकों से हो सकते हैं। इन पर प्रतिबंध नहीं लगे हैं। इनके जरिए भारत आसानी से रूस को पेमेंट कर सकेगा। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने कुछ रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है। अभी तक स्विफ्ट का असर सिर्फ बड़े बैंकों पर ही है। ऐसे में छोटे बैंक के जरिए पेमेंट्स हो सकेंगे।